ले लो बाबू पी लो नारियल पानी। हम बहुत दिन बाद पहली बार नारियल पानी पिए थे। ये काट 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 रहे मलाई मलाई। ओ जगमग जगमग। एक मीठा पान, ये कल्चर डूबना नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। खाने के बाद पान। कौन बुला रहा है? किस्मत। ये शहर को जानते हो? ये शहर मुझे जानता सेठ। ये बीड़ी तुम्हारे लायक नहीं है, सिगार के लिए हो तुम। फेंक दूं? जी आइए। क्या बात है संजय जी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, मुंबई जर्नी। बॉम्बे कैसे हैं आप? बस बच्चा हूँ, मस्त हूँ। ये क्या मैं जो देख रहा हूँ पीछे रॉक्स है हमारे, क्या ऐसा था क्या यहीं पे स्ट्रगल करते करते फिर बोला कि भाई यहीं से जो दिख रहा है अपार्टमेंट उसको दाब लिया जाए? सुधांशु मिश्रा होते थे, सुधीर मिश्रा के भाई। ओके ठीक है। तो हम लोग बीच पे बैठे रहते थे, रहते इसी रोड पे थे। हाँ जी। इस रोड का नाम जेपी रोड है, बरसोवा। लेकिन कहीं पीजी या कहीं कुछ तो बैठे रहते थे वहाँ। तो वो कहते थे संजय हरेक के नाम की लहर आती है यहाँ, सी का लहर। ओके। वो लहर देखते थे, हम घर देखते थे। फिर ये घर आपका तब आपने देखा था क्या कभी और ऐसे बोला था क्या कुछ कि भाई ये लूंगा मैं? ये घर पर्टिकुलर नहीं बोला था, ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ कि पर्टिकुलर सिनेमा कि मैं ये फिल्म करूंगा। हाँ। पता नहीं आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, लेकिन आप तो मतलब पर्टिकुलर घर भी ना कि ये पक्का मैं ये घर लूंगा। नो 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 नो। हाँ उसके आजू बाजू जो आपकी किस्मत में लिखा हो। Correct. मेरी कुंडली में लिखा है मैं जहाँ जहाँ रहूंगा वहाँ वहाँ पानी होगा। अरे वाह। इधर शमशान है और इधर कब्रिस्तान है। करेक्ट। यारी रोड है ना, यारी रोड की पहचान। हाँ एंट्री के बाद भी अलग नहीं हो रहे दोनों। हाँ। वो शमशान वाले न कब्रिस्तान वाले। बताओ कहानियां बताओ आप। हाँ तो मतलब यहाँ इस रोड पे आते ही लगता था दुनिया से कहीं भी आओ ना अब घर आ गए। घर भले ही यहाँ से थोड़ी दूर हो लेकिन ये टर्न जो है ये अपना टर्न होता था। यहाँ से डबल डेकर जाया करती थी पहले, यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी। हाँ 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 हाँ। सीधा नेपेंसी रोड उतरता था मैं। क्या बात कर रहे हो? अरे मतलब फ्री थे ना। जहाँ आए हो उस शहर को तो जानो कम से कम। सही बात है। है कि नहीं? एज एन एक्टर आपको बहुत जरूरत होता है कि आप बम्बई में है लोकल का मजा लिए कि नहीं, जो लोकल ट्रेन का मजा लिए है कि नहीं। करेक्ट। उस भीड़ में घुसे हैं कि नहीं, तो वो तो यादें हो गई यार भीड़ भीड़ में घुसना ना। हाँ। अब तो नच्चा टाइप्स एकदम। तो इस बात पे मैं आपकी एक अकम्पलिशमेंट पे आता हूँ। सिल्वर जुबली निकाल लिए हैं आप, 26 साल हो गए आपके इंडस्ट्री में। हाँ। कैसा वाला फील होता है? इंडस्ट्री में नहीं अपने आप में, मतलब यहाँ आके बम्बई मुझे तो समझ ही नहीं है इंडस्ट्री क्या है। न कहीं से धुआं निकलता है, न कहीं से मजदूर निकलते हैं। हर एक के लाइफ में होना चाहिए अपने प्रोफेशन में सिल्वर। हाँ, जुबली। यस मालूम चला सिल्वर ही लेके चल निकल लिए, जुबली हो ही नहीं रही साले। हो क्या करें, है नहीं कहीं टिक ही नहीं पाते। नहीं ये पैंडेमिक के दौरान ऐसा बहुत हुआ है, कई लोग निकल लिए हैं। कई लोग निकल लिए हैं। आपका मन किया ऐसे जाने का वापस? ऐसे दरभंगा जाए तो जाए कहाँ, गाए तो गाए कहाँ। सोने कवाल पूछ रहा अपने, गाए तो गाए कहाँ। तो उसको जाए तो जाएगा, कभी नहीं मन किया क्यों जाऊं। सही बात है। यहाँ मंदिर मस्जिद जगह बोलते हैं, बहुत बढ़िया जगह। देखा उधर क्या था, शमशान कब्रिस्तान, यहाँ मंदिर मस्जिद। तो यही तो इंडिया है यार, यही तो हिंदुस्तान है ना। बेस्ट बात है ये। हाँ यहाँ पर थिएटर सर्किट के भी बहुत बहुत। अब धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, मठ की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कहानी है ऐसी आपकी? तुम रोड पे घूम रहे हो तो हम नए नए आए थे बिल्कुल। हाँ जी। जानने वाले में कौन थे? अपने एनएसडी के विनीत भाई, इरफान भाई, इदरीस भाई, सारे भाई। करेक्ट। समझे अभी आए हुए हफ्तों ही हुआ था साला कि इरफान भाई बोले आजा मिश्रा है ना, तुझे उसका ऑफिस दिखा देता हूँ। तो बैकग्राउंड दे देते हैं इन पब्लिक को। इरफान भाई आपके सीनियर थे? सीनियर थे, सीनियर। इरफान भाई एक्टर। हाँ एक्टर। हाँ बहुत सीनियर थे, बहुत नहीं मतलब दो साल। तो आजा मिश्रा तुझे मैं दिखाता हूँ, आ तो सही तुझे यश चोपड़ा का ऑफिस दिखाता हूँ। तो उनके यशडी मोटरसाइकिल पर बैठ गए, ट्रैफिक इतनी नहीं हुआ करती थी, बैठ गए। मिश्रा
एक बात बोलता रहे, हो हटिए हटिए हटिए, नहीं किसको कह रहे जो सामने हटिए सिटी बजा, हॉर्न नहीं है ना, हॉर्न नहीं, ब्रेक भी नहीं ना यार। और वो जो बगैर हॉर्न और ब्रेक के एसडी पे मैं इरफान भाई के साथ घूमा था, कि गुरु अभी हफ्ते भर आए हुए, पता चला एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मम्मी उम्मी जाते ही बम्बई में हफ्ते भर में रह जा, पैर तोड़ वाला है। और वहां पर बात होती कि इरफान हमेशा संजय को खराब ही करता है बस। हाँ, सिगरेट पीता है, बताइए करेक्ट, ये कैसे हो गया? हाँ, ये तो मतलब इरफान के साथ जाने की जरूरत क्या थी उसको। मैंने ये सब कहानियां चल रही थी पैरेलल, बड़ा मजा आता था यार। मतलब ये जो रोड है जेपी रोड, हाँ जी, खाली होता था खाली, तो इन्हीं बारिश के दिनों में आ जा मिश्रा, तो उधर से हरगुजीत भाई निकल गए, तो ये भाई निकल गए, विनीत भाई निकल गए, सब यही। और इस रोड पे हम नहाते थे यार। क्या बात है? और ज्यादा, और एक बजे दोपहर में समुद्र में घुस गए, फिर इधर आ गए, यही सड़क पे लेटा हुआ हूँ, इस सड़क पे अभी लेट जाऊँ तो लेट ही जाऊंगा परमानेंट। समझ रहे हो कि नहीं? बीच बीच में भी लेट गए? बीच पे तो लेट ही सकते ना। उठ जा उठ जा उठ जा, अरे बस आ रही। हाँ उठ गए, टांग, फिर बारिश बढ़ रही है, झमझम झम, और पानी थोड़ा थोड़ा जमा होता था। करेक्ट। हाँ, छाता लेके नहीं गाते थे, नो। तो ऐसा होता था, ये वाला छोटा सा पान की दुकान खरीद के देने वाला था, मेरा एक ससुर होने वाला था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप मेरी बेटी शादी कर ली, ये दुकान हम आपको खरीदवा देंगे। हम कहे वाह बेटा, जस्ट इमेजिन। हाँ, हस्बैंड दुकान पे, बीवी मकान पे। हस्बैंड सिगरेट बेच रहे। बहुत, एक और आए थे ससुर, मेरी दादी भेज दिया करती थी संजय के एक लड़के, एक बढ़िया करता गया एक्टर टू। उसके बाद पूरी फैमिली आती थी चेकअप करने की, भाई क्या है भाई। हाँ, तो मैं ऑटो में बार बनाता था, ऑटो बार। ओके। अपनी एक बियर, एक अच्छा दोस्त, तुझे पता नहीं यार, उन्हें ढिंचक ढिंचक वाली म्यूजिक बड़ी आती थी। मुझे पता है ना, ऑटो में ना। तो हमने होने वाले ससुर जी को कहा, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, बियर पीते हैं अभी। किसी बात करते हैं, हम तो लड़का देखने आए, हमका लड़का ही आपसे पूछ रहा है बियर पीते हैं आप। कभी कभी जो ऐसा बोले समझ, रोज पी रहा है साला, कभी कभी। और देखते हैं तो बियर अपना लगा रहे हैं, यहाँ से सेंटा क्रूज तक गए ऑटो में। लड़की मैंने अभी देखी भी नहीं, पहले मुझे देखना, क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना। तो वो बियर पीते पीते होने वाले ससुर जी ने कहा, ऑटो कितना पड़ता होगा यहाँ खरीदने पे? जी ऑटो, ऑटो पे बैठा हुआ आदमी अपने होने वाले दामाद से पूछ रहा, बेटा ऑटो कितना का पड़ता, गिरता होगा बम्बई में, पता नहीं 50,000। हाँ। तो मैं अगर आपको 5 ऑटो लेके दे दूं। ऑटो की कंपनी। हाँ, पापा जी को फोन किया, देखिए दादी किसी को भी भेज देती है। सुन जी, मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ और तू ले रहा, तू तो कुछ पैसे लेके आया, नारियल पानी पी सकते हैं? नारियल पानी पी सकते हैं, पी सकते हैं ना तेरे पास? बड़े दिन बिताए हैं यार बीच में ना। बड़े दोपहर यहाँ से वहाँ घूमते रहो, जो भी कोई बोले दारा सिंह के आना है तो इधर वाले बीच से निकल के उधर चल जाओ, कोई बोले उनके आना है तो इधर वाले रास्ते से निकल के उधर चल जाओ। पतला मलाई वाला काटो भाई, मुझे मोटा मलाई वाला। बम्बई आके कोई मतलब नारियल का मलाई ना खाए तो क्या किया? तो क्या किया? अरे दादा मैं पैसे लेके नहीं आया यार, इन लोग इंटरव्यू के लिए उठा ले आए हैं घर से। कोई बात नहीं, आई लव यू। नहीं पैसा लाए हैं, लेकिन हम उसका दिल देखना चाह रहे थे ना। नारियल टाइप है, बाहर से कठोर लग रही है, अंदर से मलाई। आप कहाँ के हैं सर? बिहार के। बिहार में कहाँ? पोस्टमैन बन के आएगा क्या? बाबू पी लो ना नारियल पानी। हम बहुत दिन बाद पहली बार नारियल पानी पिए थे। हाँ। पूजा वूजा का तोड़ के दे देते थे तो खा लेते थे। पटना उटना में कहाँ इतना नारियल पानी है? इस पर देखता हूँ सही। हम दोनों अभी ऐसा फोटो खिंचवाएंगे, ठीक? हाँ। तुझे पसंद आएगा मेरे साथ ऐसा फोटो खिंचवा? अरे सेठ साहब, हाँ ये जो है ऐसा फोटो खिंचवाए हम दोनों। हम नहीं, यूं ऐसे कर सकते हमें ऐसे।
ये काट 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 रहे, ये मलाई आ गई, मलाई मलाई। चलो भाईजान, आई गाय नहीं, क्या नाम इसका बताया था, वसुंधरा है? ये ना दुर्गा, ये वैष्णव, वैष्णव दांत दिखा, वैष्णवी हाँ खा पाएगी ये, खाती है तो ये, इसका तो दांत ही नहीं है तेरा है वैष्णवी तेरा, अरे साला बहुत बड़ा, रख लीजिए उनको खिला दीजिए, इसको नहीं खिलाइए ना, एक साल की अभी मत दो। वापस बीच से निकल के आते ही इन लोगों से कैसा लगा आपका? यार मैं ये मुझे फैमिली जैसे दिखते हैं, इसमें भी कोई मामी होती है, कोई बहन होता है, होते ही हैं। हाँ। तो मैं अभी भी तैयार हूँ और उस समय भी तैयार था कि मुझे अगर इस तरह की जिंदगी फुटपाथ पे बितानी पड़े, चकल्लस में बिताऊंगा। क्या बोल रहे हो, सही? हाँ हाँ हाँ, सफलता का एक पेड़ लगाते हो तो एक असफलता का भी पेड़ लगा लो। एक समझ है, एक समझ है। आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। इधर बंबई आने से पहले मुझे पता चला आप मैट्रिक दो बार फेल हुए। मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई पे आपका ज्यादा मतलब नहीं, मतलब नहीं था मुझे, वो सिस्टम से प्रॉब्लम थी। मैं जो हूँ मुझे वैसा क्यों नहीं निखार रहे, सही बात। तो मैं एक किस्म के ढांचे में, वीरा नीड योर एजुकेशन, क्यों 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 एक किस्म के ढांचे में डाल दो, सही बात है कि नहीं? फिर आर्ट्स वहीं पे, या मतलब कला की? कला मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, गाते भी थे आप? सब कुछ कला। हाँ। के नाम पे जो भी घुंघरू पहनना ही बाकी रह गया था, मतलब कत्थक डांस करना नहीं तो सब कुछ, सितार तो तबला तो हर कुछ, हर कुछ, हर कुछ जो चाहिए एक थोड़ा थोड़ा 16 साल 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल के लौंडे को। हाँ। कलाकारी के लिए सब आता था। हाँ, फादर को थोड़ी चिंता रहती थी यार, ये करेगा तो करेगा क्या है? सबसे बड़ा बेटा है, अब छोटी बहन के क्लास में भी आ गया, उससे भी छोटे के जाने के चक्कर में क्या होगा। लेकिन फितरत सही बात है जो बंबई ले आई। करेक्ट, बंबई आए थे कि सिनेमा में काम करना, एक्टर एक्टर तो देखेंगे। हाँ। मुझे सिनेमा में काम करना है। फिर टीवी किया आपने? मतलब देखो यार, ये शहर में, ये शहर मुझे जानता है इसलिए क्योंकि मैं इस शहर को जानता हूँ, हर तरह से जिया हूँ मैं, जहाँ काम मिला वो करना है। सही बात है। आपको दिखाना है ना कि मैं ये सब कर सकता हूँ और खुद देखना भी है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। तब आप पंकज कपूर से थोड़ा भयभीत थे, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा वो था कि यार देखो एक ऑफिस ऑफिस मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टर मुझे जैसा सुनाता है स्क्रिप्ट, अगर वो मुझे दिखा देता है तो मैं फील करने लगता हूँ, नहीं दिखा पाता है तो चिरकुट है, खुद ही नहीं देख रहा आगे क्या दिखाएगा ये। सही बात, समझ रहे हो? यहाँ एक्टर को डराते हैं हर कोई, एडी डरा देगा, लाइन याद है, लाइन याद है, लाइन याद है, डायलॉग्स याद है, डायलॉग्स याद है, डायलॉग्स याद है। अरे तुमने उनको देखा था, दो दो पन्ने का डायलॉग डायलॉग, हाँ कंटेस्ट कर लेते हैं वो होते हैं एक्टर। मैंने कहा बेटा इसमें तो लुट जाएगी डुबिया, हाँ जब पूरे करियर में अगर चल गया। हाँ। तो भी डायलॉग याद है, डायलॉग याद है ना। तो ऑफिस ऑफिस में हम सारे एक्टर्स बैठ जाते थे और अपनी अपनी लाइन एक दूसरे एक्टर्स के साथ करते। ओ बेटा जो कॉन्फिडेंस आया है ना सिद्धार्थ, क्या पता हूँ माँ कसम, मतलब डर ही नहीं लगा कभी डायलॉग से। हाँ। चाहे सामने कोई खड़ा हो, दो पेज का रट के वो करके फीलिंग के साथ डायलॉग, इसलिए मेरे डायलॉग लोगों को अच्छे भी लगते हैं। फीलिंग होनी चाहिए कि जो आपके, समझ रहे हो? नहीं, सही बात है। रोहित शेट्टी की शूटिंग में मुझे डर लगता है, घबराहट हर एक्टर को होनी चाहिए हर शूटिंग में घबराहट। ये रहा बच्चन जी का घर, ये नाका नाका, ये रहा बच्चन जी का घर। जब हम लोग नए नए आए थे, कोई बंबई आता था घुमाने तो या घुमाओ का काम तो कुछ है नहीं, तो वीटी दिखाया, ये दिखाया, ये जरूर जगह दिखा, जरूर जरूर बंबई में। लेकिन ये घरों का सिलसिला है ही, मे बी इट्स अ सिक्योरिटी दैट यू वांट इन योर लाइफ कि हाँ भाई आई एम सॉर्टेड। जब जब आप नए आते हो ना तो लगता है एक फोन मिल जाए BSNL गुरु फोन, अब मिल गया आपको फोन, अब हो गया आपका परमानेंट। सही बात है।
समझ गए, उसके पहले वो साइड में जो बैठते थे अपना लेकर के फोन वाले, अंकल कोई मैसेज आया, हाँ तेरी मम्मी का फोन आया था, अंकल कोई मैसेज आया था, कोई चोपड़ा का फोन आया था, चोपड़ा वाला जल्दी दीजिए, मम्मी वाला मत बताइए, चोपड़ा ने क्या बोला, बोले बात करने को बोले, मैं बोला आऊँगा रात में तो करते वो, और अगर ठीक होकर के आए तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे सुबह, मैं बोल दूंगा उनको क्या तो, बात? अब जब अपना फोन, उसके बाद अपना घर, ये लेफ्ट में पृथ्वी है, पृथ्वी लेफ्ट में है, आपका पनवाड़ी का है जो पहचान, फिर इधर से चल हम वापस आएंगे, इस रोड की एक कहानी, हाँ जी, यहाँ पर प्रकाश मेहरा का स्टूडियो हुआ करता है, ओके, और इसी रोड पे आगे जाओगे ना पाम ग्रोव होटल होता था, अभी पता नहीं नाम, उसके ठीक सामने एक मिश्रा पान भंडार, उसके पास भी नारियल मिलता है, अब नहीं खाएंगे, तो उस दिन थे पैसे तो नारियल पानी पी रहे थे मैं और मेरा एक दोस्त अंशुल, तो एक गाड़ी से महेश भट्ट दिखे, अरे वाह, और उन्होंने हाथ हिला दिया, अंशुल भट्ट साहब भट्ट साहब, जब तक गाड़ी आगे निकल गई, अंशुल को लगा मुंह से चिल्ला के नहीं होगा, जितनी ताकत दिखानी है पैर में दिखा, नारियल फेंका और भट्ट साहब भट्ट साहब, दौड़ लाए पूरे रोड पे, और यहाँ आकर के कहीं भट्ट साहब की गाड़ी रुकी, अंदर हुई, तो यहाँ तक अंशुल आया और भट्ट साहब, अब वहां मैं सोचा कि यार हमारे मम्मी पापा ने भी तो भेजा है एक्टर बनने को, हमें भी भागना चाहिए, हम नहीं भागे, मैं भी नारियल छोड़ा लेकिन खत्म कर दे, समझे, भट्ट साहब क्रिएटिव थे बहुत, मतलब समझते थे चीजों को, तो गाड़ी के बोनट पे बैठ गए, अब वो उनके सामने आके ठीक होके कि वहां तो हाय किया था, यहाँ देख भी नहीं रहे, और तब तक मेरी एंट्री, दौड़ते दौड़ते मैं भी आया यही सुमित तक, जब मैं घुसा हूं तो देख रहा है कि भट्ट साहब उसको भाग यहां से, भाग लो, फिर वो आपने हट ब्लडी हेल, तो मैंने अंशुल को डांट सुनते हुए देखा था, तो यही वो रोड है, भागे थे जिसपे, हाँ भागते भागते, भट्ट साहब से दूसरी भी एक कहानी है, उन दिनों आशिकी बन रही थी, तो राज बब्बर के यहाँ उनका कुछ काम था, उनके भाई का, उनके पट का, तो वो आए थे, तो राज बब्बर ने यूँ ही कहा कि यार इसको लगा, यार टैलेंटेड लग रहा है, कहीं असिस्टेंट हो, हाँ हाँ मैं बना दूंगा असिस्टेंट, तो चाहिए ही हमें, आ जाओ, और अच्छा भी लग रहा था, बस भट्ट साहब की फिल्में मुझे पसंद थी, आज उनका मैं असिस्टेंट हो गया हूँ, सो प्राउड, आज ही चिट्ठी या फ़ोन कर दूंगा पापा जी, बैठा रहा कोई पूछ ही नहीं रहा, तो एक असिस्टेंट के पास गया जो दिख रहा था कि ये चीफ, हाँ। चीफ होगा, हम कहे सर मेरा नाम संजय मिश्रा है और बस असिस्टेंट, अच्छा तू नया है, हाँ हाँ फर्स्ट डे, हाँ जा जुहू से मिश्रा पान भंडार से पान ले, अब भट्ट साहब के हम अपना दौड़े दौड़े भले रिक्शा ऑटो फ्लाइट ट्रेन बैलगाड़ी जितने भी पहिए लगे हुए थे सब मिश्रा पान भंडार था ना भाई, मिश्रा पान भंडार, और अपने ही 300 रुपए में से उसको में उसके 5-5 रुपए के पान होते थे, अरे वो 5-6 पान बंधवाए, अब इतनी दूर आए चोर तो दिल में होता ही है, खुद भी खा लिए, भट्ट साहब क्या खाते हैं देखता हूँ, भाई गौड़ यार वहाँ पहुँचे तब तक भट्ट साहब वहाँ से जा चुके थे, ओह शिट, बस डिसाइड कर लिया नहीं भैया हो गया, एडी नहीं करना, ये है मशहूर मिश्रा पान भंडार लगी, हाँ बहुत कहानियां कि भाई बच्चन जी क्या अभी इसी के यहाँ से पान जाता है, क्या बात कर रहे हैं, हाँ जिसके यहाँ देखो इसी के यहाँ से पान जाता है, मैं सोचा था इतना ही बन जाऊं बहुत है, मतलब इतना नहीं, ये बहुत बड़े मिश्रा पान भंडार, हाँ ये भी बड़े हुए है ना, हो जगमग जगमग, एक मीठा पान और एक थोड़ा सा किमाम डाल दीजिएगा, कतरी सुपारी बस, और वो मीठा वाला वो हम लोग बनारस के लोग इसको छोड़ नहीं पाते, ये कल्चर डूबना नहीं चाहिए हिंदुस्तान से, खाने के बाद पान, कलकत्ता होता है, सोफिया होता है, मगही होता है, और कौन पान होता है दादा, बनारसी, ई कौन हो, हमने बंदे का लगे हुआ मीठा पत्ता, कचरी थोड़ी सी डाल दो और हीरा मोती जरूर डाल देना दादा, डाले वो, मतलब जो लोग घर में किचन गार्डन या इस तरह की कुछ चीज़ करते हैं ना, पान का पेड़ जरूर लगाएं, बड़ा शुभ होता है, बहुत 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 शुभ होता है, ये हमारा हो
वाह, इनका भी दीजिए मीठा वाला। आप नहीं खा रहे हो ये अलग बात है, लेकिन बहुत टेस्टी यार, मतलब क्या है बड़ा। हम दौड़ के आए थे महेश भट्ट के लिए यहाँ। 95 रुपए का पान है, पेट्रोल के आसपास चल रहा है अभी, दो लोग खाएं। एक गाना गाया यार, मेरे तेरे से गाना सुनने का मन है। मेरी आवाज तो मतलब, अरे जिस जो गाना मैं बोल रहा हूँ उसको आवाज की नहीं एक्सप्रेशन की जरूरत। बताइएगा क्या बोलती तू, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं? चलना है, कैसा खेलते हैं? हाँ चलिए, चालू कीजिए आप। तू आमिर खान है यार। मैं आमिर खान हूँ। क्या बोलती तुम, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना आपका है? सुन, अच्छा सॉरी, हाँ सुन, सुना आती या खंडाला? ये चलना पेट्रोल इतना महंगा है, खंडाला क्या कहीं रोकते हैं कहीं बाजू में? ऑफिस की हम लोग बात किए थे, फिर उसके बाद आप फिल्मों में आए। मतलब ऑफिस में लोगों को पसंद आया। हाँ तो कौन है यार वो लड़का? बुला, माधुरी दीक्षित के बगल में एक कैमरामैन का रोल है। बुला बुला बुला, कर लेगा। ऑफिस के बाद ऐसे ही रोल्स कि इनको यहाँ कर दो, ये एक क्लर्क का रोल है, एक पुलिस वाले का रोल है। सत्या थोड़ी फिल्म आई जिसमें पूरी फिल्म में मैं नहीं था, लेकिन देखने के बाद लोगों ने रोल को बड़ा सराहा। हाँ, ये जलसा बच्चन साहब का। हाँ, आप बच्चन साहब का दूसरा घर, और बड़ी अच्छी लग, बहुत अच्छा लग रहा है यार। हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। हाँ, और फिल्म वालों के घर से यार भी आसपास है यार। एक बार धर्मेंद्र का घर दिखा दे यार, किसी को मालूम है? या फिर जितेंद्र का दिखा दे यार। सत्या के बाद बंटी बबली, उसमें भी एक छोटा सा क्यू कुरैशी का रोल। तो छोटे कई किरदार बंटी बबली, ब्लफ मास्टर, जमीन, रोहित शेट्टी की पहली फिल्म, क्या क्या याद दिलवारा बेतू। फिर मजा आया लाइफ में जब सुभाष कपूर नामक एक डायरेक्टर ने बनाई फंस गए ओबामा। अबे ऐसा रोल दिया हमको, पागल है ये डायरेक्टर क्या, मुझे क्यों ऐसा रोल दे रहा है? मुझे कोई कॉमेडी वॉमेडी दे देता यार। ये नसीर भाई के ग्रुप के मतलब टक्कर के रोल है, शायद मेरी किस्मत अच्छी है या इनकी ख़राब है, जो भी है, कोई आपको चूज कर रहा है तो चूज कर रहा है बॉस, क्या कर। मैंने कहा भी सुभाष जी फंस मत जाना, ऑल द बेस्ट वगैरह तो थी। हाँ, लोग मुझे जानते थे, नाम से नहीं जानते थे। हाँ, अरे पापा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मेरे पीछे वो। मेरी बीवी को एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने मेरे बच्चों का स्कूल है, गोयन का, सीपी गोयन का। तो वो जब पहाड़ में जाते, कहाँ पढ़ते हो? सीपी गोयन का, अमिताभ बच्चन के घर के सामने। एक सेकेंड ना, आपकी बीच की भी कहानी एक है जो इंटरनेट पे बड़ी पॉपुलर हुई थी 5-6 साल पहले, वही अंडा बेचने वाला। हाँ, अंडा ढाबा वाला। अरे वो मनहूस 4 अंडे कौन से थे जो मैंने जिंदगी में बनाए थे, आज तक वो खाए जा रहे। तो आप बम्बई छोड़ के चले गए थे? बम्बई नहीं छोड़ के गया था, बम्बई छोड़ के मुझे जाना पड़ा था, मेरी तबीयत खराब थी बहुत, पता नहीं क्या हो गया था अपने आप। लेकिन दोस्त तो हमेशा ना, अरे शराब पीते हैं ना कभी कभी, इसकी वजह से कभी कभी वो चीज है, इंश्योरेंस वाले जैसे बात घर वाले करने लगते हैं। पस वस हो गया था पेट में, तो मैं उस काम के लिए बम्बई से गया था, बिल्कुल डेथ बेड पे था, और कुछ दिन तक फादर के साथ रहा, एकाएक फादर एक्सपायर हो गए। तो और उनका जाना बिल्कुल ही मुझे तोड़ गया, तो मैं सब कुछ हो गया, 13वीं चचा मम्मी मैं थोड़ा चलता हूँ, मुझे बम्बई आने का बिल्कुल नहीं मन था जी, क्योंकि मैं डेथ को बहुत करीब से देख चुका था कि जब यही ज़िंदगी है तो फिर कभी भी तो क्यों ना ऊपर वाले की चीज़ों को देखा जाए। जिस दुनिया में उसने भेजा मैं अच्छे से देखता हूँ, पहाड़ों में कहीं कुछ। थोड़ा सोचा कि यार जो छोटा मोटा अमाउंट मेरे बैंक में पड़ा मैं उसको खर्च करके यहाँ पर ज़िंदा रहने लगूँ तो मुश्किल हो जाएगा यार, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो क्यों, तो भूल जाओ एक्टिंग, यहीं कहीं कुछ सेट होते। तो गंगोत्री जाने वाले रोड पे एक बुढ़ऊ थे, वो भी अपने घर से निकाले हुए थे, उनको सुबह उनके बाल बच्चे भेज देते, पापा चलो निकलो, छोटा घर होगा, और वो आ जाते थे बुढ़ऊ एक पतले थे चादर में,
कहीं ढका हुआ में बैठ जाते थे, आग जला लेते थे। जो लोग गांव वाँव वाले बाइक वाइक से आते थे पहाड़ को ऊपर चढ़ने के लिए, तो रुक जाते थे, चाचा ये बना लो मैगी, वो लेके आते थे नीचे से। चाचा ये मैगी मैं 2-3 दिन तक बैठ के देखता रहा उसको। उन्होंने कहा चाचा एक काम करते हैं, आप बाहर से कोई मैगी लाएगा ना आप मत बनाइएगा, है ना, हम कुछ अंडे ले आते हैं और 20 पैकेट मैगी, फिर हम उससे पैसा चलाएंगे। तो धीरे धीरे हम वहाँ 1-2-3 दिन रहे, तो कुछ बाइक वाले आते थे, कर कर आप कौन साहब, मैं हूँ, अरे आपको तो गोलमाल अफिस अफिस, तो ये तंग करने लगा। फिर इधर से भी फोन वोन आने लग गए कि रोहित शेट्टी के यहाँ से भी कि भाई कहाँ हो, मम्मी आई, दाढ़ी वाड़ी, एक फोटो है मेरे पास वो घूम गई, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, सबसे पहले तो घाट पे बैठ के बैठ गया, दाढ़ी बनाओ बाबा बनाए, किसके यहाँ कोई नहीं, ये मम्मी का जो डिसीजन था ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा के जाने में मम्मियाँ सबसे ज़्यादा टूटती है, वो कहीं किसके यहाँ कोई नहीं कोई मरता है, सही बात है, क्या पैदा होता है, आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ये क्या बना रखा है भेषभूषा, चलो उठा करके दिल्ली ले आए। तो वापस जब मैं आया तो फिर उसी दुनिया में फंसा नहीं, अलग लाइफ, अलग लाइफ, सीधा गोवा, गोवा में ढोलो जस्ट चिल, कमरे में कभी भी जाग जाऊं, अरे कि पापा जी को क्या करूं और क्या ना करूं कैसे, और फिर ढोलो जस्ट चिल पिक्चर खत्म हो गई, डबिंग हुआ तो आशीष थे, बाहुल थे, रोहित शेट्टी के सब असिस्टेंट मेरे से बात करने आ ही जाते थे, गुरु जी आ गए, अरे क्या बेवकूफ़ी करवाता है यार ये रोहित शेट्टी यार, लड़ी हेल। जब पिक्चर रिलीज हुई तो रोहित शेट्टी वही मुस्कुराते हुए, भाई साहब आप बताओ देखो जरा पूरी पिक्चर मेरे नाम पे हो गई है। अजय भाई थे, संजय दत्त सर से, तो पता नहीं वो क्या ब्लेस रहा होगा, लेकिन बस इतना ही है वो ढाबा कहानी। बस फूड की बात कर रहे हैं तो हम बंबई के कोई खाने की जगह जहाँ आपको बहुत पसंद, मुझे जब मैं ये सब्जी बिकता हुआ देखता हूँ ना, हाँ, कुछ जाग जाता है, फ्रेश अच्छी सब्जी, मैं अभी भी सब्जी लेने खुद ही जाता हूँ, उसका मजा है उसका, हाँ अपनी चीज लाए आप उसको बनाए फिर खाए, वो साइड में मसाला जो आप एक्स्ट्रा 10 का फ्री पाए वो भी एक कला है, कला है। खाना क्या क्या आप बनाते हो घर पे? देखो म्यूजिक और खाना पूरा मूड का मामला है, ये चलता रहता है। हाँ, मुझे इस समय जिम मॉरिसन के ट्रिप में जाना है, हाँ, तो मैं जिम मॉरिसन के ट्रिप में जाऊंगा, हाँ, इस समय डीप पर्पल, वो आपका फेवरेट गाना है डोर्स का जो, मतलब कई फेवरेट गाने हैं, हाँ। और खाना अभी आजकल जैसे ये बारिश का मौसम है और अगर मैं खाली हुआ और कहीं अच्छी जगह पे हूँ, इस रोड पे नहीं, तो मैं इस समय मियाँ के मल्हार, सुर मल्हार, गाली वाली का कुछ आपका सीन नहीं है सब, गाली बॉम्बे बॉम्बे स्लैंग का, बॉम्बे स्लैंग गाली, मैं अपना बनारसी गाली वाला है, हाँ, लोग कहते हैं कृपया एक गाली दीजिए ना, जैसे कि कौन सा, अब साड़ी ये कितने देर से इंतजार कर रहे थे गांडे तुम वहीं आए हो यार, सही बात है ना, हाँ। तो उनको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मेरे मुंह से गाली सुनना, आई डोंट नो, गाली जानते हो एक्सप्रेशन है, गाली को अगर कोई सिर्फ गाली की तरह, इसको मुझे ये गाली देनी है, हाँ। ना एक बहुत बढ़िया गाली मुझे बड़ी इंस्पायर की थी, आज पता नहीं किसके चूतड़ पे प्याज कटेगा, सोच के देख महसूस वाली गाली है, आज पता नहीं ऑफिस में किसके चूतड़ पे प्याज कटेगा, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, लेकिन पिछवाड़े पे प्याज कटना चिक 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 चिक, अरे बाप रे बाप, महसूस वाला, अब ये गाली का क्या मजा है, है ना मजा, कहीं ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप जाते हो जब कोई गम वम या दुख मनाना होता है, मतलब या ऐसे कहीं जाके बैठ गए या घर पे ही कोई कोना है वो, यही पीछे आके बैठ जाता हूँ कभी अगर हुआ तो, हाँ। नहीं तो आसमान ताकने लगता हूँ, और मुझे ज्यादातर काम में गड़बड़ हो रहा है इस बात की दुखी नहीं होती, लेकिन जैसे कोई गुजर गया तो वो पूरा 1-2 दिन उन्हीं की यादों में, हाँ। बंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है सिवाय अपने दिल के कोने के, बाहर भाई ऋषिकेश, जिम कॉर्बेट, अभी रहा मैं जिम कॉर्बेट 2 महीने, हाँ। जंगल में, ये जो लॉकडाउन हुआ था, क्या बात कर रहे हो, जिंदगी समझ में आ गई यार, ना फोन का कनेक्शन,
ना कोई कोरोना का नाम लेने वाला, क्योंकि उस पूरे इलाके में चार ही लोग हैं, और बढ़िया खाना, नदी में नहाना, टॉयलेट वॉयलेट सब बाहर जंगल में, और रात में जुगनू क्या शेर क्या हाँ जिम कॉर्बेट है यार, वो आती थी आती क्या थी, वो दिख रहा है वो मेरे जब जो मेरी जमीन है वहाँ से भाई ये, अरे शेर की पॉटी मतलब कल रात में यहाँ था, और आपका जो गार्ड है वो 65 साल का है, वो एक्सपीरियंस है, बिजली दिखा दो, बिजली लाइट चला चुपचाप चला जाएगा, हम कहे बिजली के भरोसे पार्टी में जीते रहे। हाँ तो शाम में हम लोग बैठते थे, एक एक पैक बनाते थे, और जगत भैया क्या हाल कोई आवाज आई आपको जगत भैया आई, फिर भी आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो जगत भैया। तो देख रहा हूँ नदी के उस पार एक पहाड़ पे एक बंगाल टाइगर एक हिरन को दबा के रखा हुआ, और दूसरी ठीक उसकी हिरन की दोस्त होगी या होगा, वो नजर नहीं हटा रहा है इस वाले को, लग रहा होगा शायद। और सामने हमारा ग्लास, सबसे पहले तो ग्लास के अंदर चल पड़ो कहीं कहे साले हिरन विरन छोड़ो आगे तो ऐसी जिंदगी। और फिर सुबह उस जगह पे टॉयलेट जाते हुए भगवान सही था जो लूज मोशंस नहीं हो रहे थे मुझे, नहीं तो माँ कसम वहाँ जाते हुए ना, और यहाँ आप क्या कमोड, फिर मैसेज यस यस, फिर अखबार चलो ये सब काफी अच्छा रहा। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? मजा आया, बहुत बढ़िया। देखो इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैं पूछ रहा हूँ तो मैं जानकार हूँ, गड़बड़ा जाता है। सही बात, जैसा न्यूज वाले एंकर्स करते हैं, बातचीत होनी चाहिए। मैशेबल इंडिया को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज। हाँ अच्छी चीज है, एक अलग दुनिया, एक अलग लोग को आप अलग तरीके से देखते हैं, कहीं और आप उसको देखते हैं लेकिन ये अलग तरीके से देखते हैं। चलो कट इट, कट इट।